शाहरुख सर के फैन है, पर आज सलमान खान सर के भी हो गए। एक्शन सेम कॉपी किया है फास्ट एंड फ्यूरियस का, बट फॉर SR के लवर सलमान भाई की एंट्री और शाहरुख भाई की एंट्री तो बवाल थी। सलमान सर भी है तो ओबियसली सर मेरे को बेटर शाहरुख खान लगे। उन्हें तो एक बार देख लेनी चाहिए मेरी तरफ से, फिर उन्हें खुद ही उनकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी कि हम गलत कर रहे थे। अमेजिंग, हाइप इज रियल गाइस, प्लीज डू वॉच। वर्थ इट, वर्थ इट। सुबह को 6 बजे से खड़े हम लोग लाइन में, इट इज ऑब्वियसली वर्थ इट। ऑलवेज माई आइडल, ऑलवेज हैज बीन, ऑलवेज विल बी। अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सलेंट एक्सलेंट। शाहरुख खान, सलमान सर का छोटा सा अपीयरेंस नहीं है, सलमान सर का बहुत बड़ा अपीयरेंस है। शाहरुख सर के फैन है, पर आज सलमान खान सर के भी हो गए। बहुत बहुत अच्छा रहा शाहरुख खान के डायलॉग्स। 10 मस्त, एकदम बढ़िया, मजा खत्म। सलमान भाई की एंट्री एक नंबर थी, वर्थ इट था, वर्थ इट था। आज तो फर्स्ट डे, फर्स्ट शो देखना था ना इसके लिए। शाहरुख सर बवाल, दीपिका वो भी मस्त, जॉन अब्राहम भी मस्त रोल किया उसने भी। सबसे बेस्ट मूवी में क्या था आपके? सलमान भाई की एंट्री और शाहरुख भाई की एंट्री तो बवाल थी। आउट ऑफ 5 कितना है? 5। अच्छी थी मूवी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। क्या मूवी में सबसे ज्यादा अच्छा लगा? वही डायलॉग्स जो शाहरुख खान, ओबियसली शाहरुख खान के हिसाब से जो बोला है। जी जी, जॉन अब्राहम का एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त लगा इस मूवी में। सबसे बेस्ट, सबसे शाहरुख, और ऑलवेज शाहरुख खान का एक्टिंग जबरदस्त। सलमान सर भी है तो ओबियसली सर मेरे को बेटर शाहरुख खान लगे। बेटर अभी उनमें क्या कहना है, जिनको अच्छी लग रही है वो देखने आ रहे हैं, जिनको नहीं लग रही है उनका। प्लीज़ अपनी अपनी थिंकिंग है, बाकी जैसा भी। सॉरी, आउट ऑफ 5 बढ़िया थी। सलमान और शाहरुख खान दोनों, जब ये कैमियो आता बस। वो भी अच्छे हैं ऐसा नहीं है, पर सलमान शाहरुख बहुत ज़्यादा। सॉन्ग्स तो अच्छे थे ही। हाँ, ठीक ठाक थी। उतना एक्सपेक्टेशन था कि और बहुत बेहतर होगी, क्योंकि इतना हुआ था एडवर्टाइजमेंट, मुझे लगा कि मुझसे और ज़्यादा उम्मीद थी पठान से, लेकिन ठीक था। कुछ अलग स्टोरी थी, यूनिक थी, और रॉय सब कुछ ऑल था, ओके था। पिक्चर के हिसाब से ठीक था, शाहरुख खान की मूवी के हिसाब से। सॉन्ग भी अच्छे थे, और इसमें अच्छा लगा कि डीप वॉइस ज़्यादा थी, जैसे कोई भी एक्टर की डीप वॉइस अच्छी थी, और हीरोइन की एक्टिंग भी लाजवाब थी। जॉय अब्राहम विलन के रोल में तो ऑसम थे, जिनकी मूवी तो नहीं चली बट कूल था। सल्लू भाई की एंट्री ज़बरदस्त थी, उसका तो आपको पता है कि सलमान खान का क्या क्रेज है अपने मुंबई में। ऑसम एंट्री थी, और थोड़ा कॉमेडी भी किए लास्ट के सीन में बैठ के कि हमारी जगह कौन लेगा, वो और ऑसम लगा कि हाँ कोई नहीं ले सकता है, 30 साल हमें किए हैं तो और भी हमें ही करना पड़ेगा अपने देश के लिए। उन्हें तो एक बार देख लेनी चाहिए मेरी तरफ से, फिर उन्हें खुद ही उनकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी कि हम गलत कर रहे थे। थैंक यू। 4, क्योंकि एक्शन बहुत अच्छे लगे, ऑसम। पहली बार देखा है मैंने शाहरुख खान को एकदम ऑसम एक्शन करते हुए, और लुक भी, और डायलॉग तो ऑसम ही थे। पैसा वसूल है। थैंक यू सर। बहुत अच्छी थी मूवी, वन टाइम वॉच है, एंड VFX थोड़ा अच्छे हो सकते थे। एक्शन सेम कॉपी किया है फास्ट एंड फ्यूरियस का, बट फॉर SR के लवर। एंड जॉन अब्राहम की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। दीपिका भी है, दीपिका तो सेक्सी लग रही है एज यूजुअल, शी इज डन ऑसम, बहुत अच्छा है। सलमान सर का रोल भी है, एंड वो आए 20-30 मिनट्स का रोल है उनका। उनके आने के बाद कॉमेडी ज़्यादा अच्छी हो गई है, एंड पिक्चर में जान आ गई है। डिंपल कपाड़िया जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शी इज अमेजिंग, शी इज अमेजिंग। मूवी में बेस्ट सीन आपके हिसाब से ऑब्वियसली सलमान खान, ऑब्वियसली सलमान खान।
गो वॉच द मूवी गाइज, इट्स रियली फन. सुबह 6:30 का शो देख रहे हैं हम लोग. नहीं, लाइक इट्स जस्ट अ सोशल कॉज. इस मूवी में ऐसा कुछ गलत नहीं बताया है, सब कुछ अच्छा बताया है. सो यू गाइज कैन वॉच. सब यूनिटी है एंड इट्स लाइक नेशन के बारे में ही है. सो कल 26 जनवरी है गाइज, प्लीज गो एंड वॉच इट. सॉन्ग्स के बारे में अगर बात करें तो सॉन्ग्स के लिए यू नो द हाइप्ड अप सॉन्ग बेशरम रंग, वो बहुत अच्छा है. और झूमे जो पठान, आप झूमे के नहीं नहीं बट सीटियां मार रहे थे पब्लिक. आउट ऑफ 5 3 out of 5. दो आपने कम किए, क्या मतलब आपके हिसाब से? मतलब एक्शन वगैरह थोड़ा एसआर के रोमांटिक मूवीज के लिए तो ठीक है, चलता है. थैंक यू.